हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। और आज हम एलजी की इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े वॉश करने वाले हैं। वैसे तो कपड़े वॉश करना वॉशिंग मशीन में अधिकतर लोगों को आता है, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको नहीं आता है या जो जानना चाहते हैं, बैचलर्स हैं, तो उनके लिए आज हम इस वॉशिंग मशीन के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे इसमें कपड़े वॉश करने हैं। और कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बातें करूँगी। तो इसमें सबसे पहले हम इसका ओवरलुक ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो पैनल है उसमें ये इनलेट पाइप है, यहाँ पर ये एक वाटर सेलेक्टर है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कंपार्टमेंट में पानी चाहिए इनलेट पाइप के थ्रू आने वाला पानी। ये वॉश टाइमर है, ये 15 मिनट का मैक्सिमम वॉश टाइमर होता है। और इसमें आपको यहाँ पर एक वॉश सेलेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप जेंटल, नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग कैसी वॉशिंग चाहते हैं वैसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग वाली पर नॉब को सेट करते हैं तो जो स्पिनर है इसका वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, जिससे कि कपड़ों में से जो मैल है वो तेज़ी से फटाफट निकल जाता है। ये एक नॉब है जिसमें यहाँ पर आप वॉश रिंस का इसमें ऑप्शन है और ड्रेन का ऑप्शन है। तो आप जब पानी को ड्रेन करना चाहते हैं यानी कि वॉश कंपार्टमेंट को खाली करना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रेन पर नॉब को घुमा दीजिए। और ये वाला स्पिन टाइमर के लिए नॉब दिया हुआ है, इसको घुमाते ही यहाँ पे स्पिनर वाला ये जो विंड जेट ड्राई वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर कपड़े घूमने लगते हैं जिससे कि वो सेमी ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पर एक बजर या अलार्म भी इसमें दिया हुआ है। तो एलजी की इस 6.5 kg वाली वॉशिंग मशीन के अंदर ये सारी खास बातें हैं। अब हम इसमें कपड़े वॉश करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पर जितने भी कपड़े लें वो आप ध्यान रखें कि 6.5 kg के अकॉर्डिंग, उसमें ज़्यादा ओवर भी ना हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर कम कपड़े हों तो आप दो बारी या तीन बारी के कपड़े भी एक साथ वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो लिड है उसमें एक अच्छा सा लॉक दिया हुआ है जिससे वो फिट हो जाता है इसके अंदर। अब ये जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर सबसे पहले हम पानी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर पानी फिल करने के लिए मैंने टैब ऑन किया और उसके बाद में वाटर सेलेक्टर को इस तरीके से वॉशिंग टब की तरफ मैंने मोड़ दिया है, घुमा दिया है। अब पानी इसमें आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब इसमें पानी भर रहा हो तो आप ये ध्यान रखें कि जो ये वाला नॉब है वो ड्रेन पर कभी भी ना हो और आप इसको वॉश या रिंस की सेटिंग पर ही रखें। तो यहाँ पर पानी इसमें आना स्टार्ट हो गया है और ये पानी इसमें जब आप इनफ वाटर आपको लगे कि आपके कपड़ों के लिए वो अच्छे से इसमें भीग जाएंगे, अच्छे से उसमें डिप होकर घूम सकते हैं, तो उतना पानी आपको इसमें लेना है कपड़ों के अकॉर्डिंग। आज कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं मेरे पास तो मैं इसमें लगभग 3/4 या थोड़ा सा उससे कम पानी इसमें फिल कर रही हूँ। और इसके बाद में हम एक डिटर्जेंट इसमें डालेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि जो आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा सा डिटर्जेंट चूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने सर्फ एक्सेल का ये डिटर्जेंट लिया है। तो इस डिटर्जेंट में ख़ास बात यह है कि ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए बना हुआ है। ये 4 पैकेट इसमें आए हैं 1 kg के, तो इसमें टोटल 4 kg आया है जिसमें 1 kg फ्री है। तो यहाँ पर मैं एक स्कूप भर करके इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा अगर कम लगेगा तो मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका जो वॉश वाला जो नॉब है वो मैंने यहाँ पर घुमा दिया है जिससे कि ये डिटर्जेंट इसमें अच्छे से घुल गया है। अब मैं सारे कपड़ों को एक एक करके इसमें डालने वाली हूँ। तो ये सारे जो भी कपड़े मैं पहली बार में इसमें डाल रही हूँ वो फर्स्ट राउंड में वो कपड़े हैं जो कम गंदे हैं, तो फटाफट से वो धुल जाएंगे। और सभी कपड़ों को एक एक करके चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई कॉइन्स वगैरह या पॉकेट में कोई पेन ड्राइव या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि इसके नीचे जो इसका बॉटम है वहाँ पर जाकर अटके या परेशान करे या कुछ मशीन को नुकसान हो। तो मैंने सारे कपड़े एक एक करके इसमें डाल दिए हैं। मैं अपने कपड़ों को रेगुलरली रोज़ वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि रोज़ाना
बहुत कम कम कपड़े होते हैं, और अगर कम कपड़े इसमें हम वॉश करते हैं तो फिर वॉशिंग पाउडर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, साथ ही साथ पानी और एफर्ट्स भी उतना ही लगता है। तो मैं इसमें जब अमाउंट में इनफ अमाउंट में कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने कपड़े डाल दिए हैं और अभी इसमें थोड़े कपड़े और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टाइम लैप्स में इसके दिखा देती हूँ कि इसका जो स्पिनर है वो इस तरीके से घूमता है और यहाँ पर कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि जो वॉशिंग पाउडर वाला पानी है वो पहले थोड़ा क्लीन था, लेकिन अभी थोड़ा डर्टी या मटमैला सा दिखाई दे रहा है, मतलब कि कपड़ों की जो गंदगी है वो निकल गई है। अब जब कपड़े अच्छे से इसमें स्पिन हो, अब इसमें जो वॉशर वाला टब है उसके अंदर अच्छे से कपड़े घूम रहे हैं। यहाँ पर मैंने जेंटल वाली जो सेटिंग है उसको चूज़ किया है, जिससे कि कपड़े ना तो ज़्यादा स्मूदली इसमें घूमें ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो यहाँ पर हो सके तो आप जेंटल वाली जो सेटिंग है उसी को रखें, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग वाली सेटिंग अगर करते हैं तो जो बहुत ही नाजुक कपड़े होते हैं उनका जो रेशे हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेटिंग का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो जेंटल वाली सेटिंग है वो आप अपने जो सिल्क वाले कपड़े हैं या बहुत ही नाजुक वाले जो कपड़े हैं उनके लिए आप वो वाली सेटिंग चूज़ कर सकते हैं। अब कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके हैं तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसको जो सारे कपड़े हैं उनको इस विंड जेट ड्रायर के अंदर डाल रहे हैं। अब आप जब कपड़े ड्रायर के अंदर डालें तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो इसके अंदर जो बैलेंस है वो प्रॉपर बना रहे, अदरवाइज़ ये जो ड्रायर है ये टक 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 के साउंड करता है या वाइब्रेट होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़ों को अंदर डाल करके और इसके ऊपर ही जो कवर लिड है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि कपड़े बाहर ना निकलें और मशीन को नुकसान ना हो। अब देखिए मशीन इस तरीके से वाइब्रेट अगर करती है तो मतलब कि कपड़ों का जो बैलेंस है वो सही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप तुरंत या तो इसका बटन नॉब है उसको ऑफ़ कर दीजिए ड्रायर का, या फिर वापस से बैलेंस ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ड्रायर को मैंने थोड़ी देर के लिए घुमाया है। अब ये देखिए कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर घूमने के बाद वो अपने आप ही अच्छे से घूमने लगता है। तो कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से ड्रायर अब स्पिन करने लगा है और वाइब्रेशन थोड़ी कम हो गई है इसकी। यहाँ पर कपड़े जब ड्रायर में ड्राई हो रहे हैं तो मैं साथ ही साथ दूसरे वाले जो वॉशर टब है उसके अंदर कपड़े डाल भी रही हूँ, जिससे कि अच्छे से दोनों काम एक साथ हो जाए। और यहाँ पर अब की बार मैंने वो कपड़े लिए हैं जो कि थोड़े ज़्यादा गंदे हैं और इनको हम सेकेंड राउंड में वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर आप दो तरीके हैं कपड़े वॉश करने के। अगर कपड़े कम हैं तो आप इसका जो ड्रायर वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर ही वाटर सिलेक्टर को सिलेक्ट करके पानी उधर की तरफ घुमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मैंने वाटर सिलेक्टर नॉब को ड्रायर कंपार्टमेंट की तरफ करके और टैप चालू कर दिया है। अब यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप इसको बंद करके और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए घूमने दीजिए, और घूमने के साथ साथ जो पानी है वो कपड़ों में जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो पानी है वो उसकी डिटर्जेंट को साफ़ कर देता है। लेकिन इस वाले तरीके में जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो ये तरीका काम नहीं करता है और कपड़ों से डिटर्जेंट प्रॉपरली नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं इनमें थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट अभी बाकी है, तो ये वाला तरीका तो यहाँ पर वर्क नहीं किया। लेकिन अगर कपड़े कम हैं तो आप ये वाले तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इसमें जो थोड़ा पानी रह गया है उसको मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद में इसको साफ़ पानी में हम बाथरूम में ले जा करके और अच्छे से खंगाल लेंगे। तो दूसरे वाला जो तरीका है, जो बकेट में हम कपड़ों को खंगालते हैं उसमें पानी भी कम लगता है और वो बहुत जल्दी कपड़ों में से डिटर्जेंट को निकाल भी देता है। तो इफ़ेक्टिव तरीका है, एफिशिएंट है, इसमें पानी भी कम खर्च होता है। तो हम यही वाले तरीके से कपड़े वॉश करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस बकेट में यहाँ पर एक एक करके कपड़ों को खंगाल लेंगे और उससे जो सारा डिटर्जेंट है वो भी आराम से निकल जाता है, फटाफट से पानी भी कम खर्च होता है। तो यहाँ पर मैंने इनको एक एक करके
पानी में इस तरीके से खंगाल लिया है। जो बाथरूम है उसमें वॉशिंग मशीन को रखने की इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने उसको बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो जब विंडजेट ड्रायर में मैंने डिटर्जेंट वाला पानी को निकाल दिया तो कपड़े हल्के हो जाते हैं और उनको बाथरूम तक लाना भी आसान हो जाता है। तो ये एक रेंटेड हाउस है, तो यहाँ पर इस तरीके की टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स मैंने किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कपड़ों का जो डिटर्जेंट है वो कितना ज़्यादा पानी उसमें आ चुका है। इससे पहले भी मैंने इनको एक बार ही वॉश कर लिया है और यहाँ पर इनमें से जो सारा डिटर्जेंट है वो निकल चुका है। इस तरीके से बाकी कपड़े भी मैंने पानी में खंगाल लिए थे और वो सारे में से मैंने डिटर्जेंट को निकाल लिया है। अब हम इन सब कपड़ों को अच्छे से डिटर्जेंट निकालने के बाद ड्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस विंडजेट ड्रायर में मैंने कपड़ों को अच्छे से दबा दबा करके बैलेंस करके और इसमें डाल दिया है। अब हम इसका जो कवर लिड है उसको यहाँ पर डाल देंगे और जिससे कि कपड़े जो हैं वो इसके अंदर ही घूमते रहेंगे, वो बाहर की तरफ जो इसका स्पेस है उसमें जा कर के नहीं अटकेंगे और मशीन को डैमेज भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिड को डाउन कर दिया है और हम अब इसको घुमा देते हैं। तो अब ये जो ड्रायर है इसका एक पूरा का पूरा स्पिन हो चुका है। अब हम यहाँ कपड़ों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, लगभग ये कपड़े ड्राई हो चुके हैं, सेमी ड्राई यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अभी इनको तार पर डालने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बड़ी बकेट के अंदर डाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के जो कपड़े हैं उनको भी हम ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद में इनको तार पर डाल देंगे। अब यहाँ पर ये सारे कपड़े ड्राई हो गए हैं। अब बारी है मशीन को साफ़ करने की। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी वॉश टब में भरा हुआ है जिसमें डिटर्जेंट, धूल मिट्टी और लेंट इकट्ठा हो चुका है और अब हम इस पानी को ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद अच्छे से एक बकेट में वाटर लेकर के और हम इसको चारों तरफ से धो देंगे और फिर से एक बार हम इसको ड्रेन कर देंगे जिससे कि जो गंदा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है। और उसके बाद में एक कपड़ा लेकर के जो साइड वॉल्स हैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप कुछ एक दो हफ्ते में आप अपना जो ये लिंट कलेक्टर वाला जो इसमें बॉक्स दिया हुआ है उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा लिंट इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमने वॉशिंग मशीन के अंदर जितना भी कचरा और गंदगी है उसको साफ़ कर दिया। अब यहाँ पर जो लाइजोल सरफेस क्लीनर है उससे मैं इसको अच्छे से कपड़े पर लगा करके वाइप कर देती हूँ जिससे कि पानी के जो दाग धब्बे हैं, जो हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं जो कि वॉशिंग मशीन पर सबसे पहले जमा होते हैं, वो इस पर नहीं जम पाते हैं और ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगी। इस पर इस तरीके से कपड़े पे मैंने लाइजोल सरफेस क्लीनर को डाला है और उसके बाद में मैं इसको वाइप कर रही हूँ। वाइप करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हम सूखने देंगे। अब ये जो लिंट कलेक्टर है इसको भी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ हमने प्रेस किया है और ये बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का कचरा जम जाता है, उसको हमने हटा दिया है। इसको अच्छे से ब्रश से वॉश करके मैं टैप के नीचे और फिर इसको वापस से लगा दूँगी। और इसी तरीके से हम इसका जो ड्रायर वाला कंपार्टमेंट है वो भी अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे लाइजोल सरफेस क्लीनर की हेल्प से और फिर मशीन हमारी पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से जो मशीन है वो एकदम नई के जैसी हो जाती है और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने सारी वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं तो वॉशिंग मशीन कभी भी आपकी पुरानी नहीं होगी, एकदम चमकती हुई रहेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।